Hey guys, welcome back to our YouTube channel. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दी डोमेस्टिक सर्किट. ठीक है जी, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में आपको बताया जाता है कि हमारे घर का जो सर्किट होता है या जिन इलेक्ट्रिक सर्किट्स को हम यूज करते हैं वो किस तरह से डिजाइंड होते हैं, हम उनमें पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं या सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं. तो बेसिकली इस टॉपिक में आपका डिस्कशन होगा कि कैसे आपका एक टाइप ऑफ सर्किट, मान लो सीरीज, कंपैरिजन तो आपका सिर्फ सीरीज और पैरेलल के बीच में है, ठीक है, तो कौन सुपीरियर है और किस वजह से सुपीरियर है किस टाइप के सर्किट में, ये डिपेंड करेगा उसके यूज के ऊपर. ठीक है जी, तो हमारा डिस्कशन ऐसा रहेगा कि हम स्टार्टिंग में इन दोनों को कंपेयर करेंगे. हम देखेंगे कि अगर मैं अप्लायंसेस को, मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, बल्ब्स लिए हुए हैं, ये हमारे बल्ब के सिंबल है. आपके घर के जो अप्लायंस हैं अब उनको आप ड्रॉ करने से बेटर है वो सारे के सारे अप्लायंस है, तो उनको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, बल्ब से. ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है. अगर हमें इस पे डाउट है कि ये सर्किट तो सर मुझे सीरीज लग नहीं रहा, चलो ये तो मुझे पैरेलल लग रहा होगा बट ये मुझे सीरीज नहीं लग रहा, तो मैं आपको बताता हूं. मैंने आपको एक चीज पहले भी सिखाई है कि हमारा विद द हेल्प ऑफ द फ्लो ऑफ करंट आप पता लगा सकते हो कि गिवन सर्किट सीरीज है या पैरेलल है, या फिर आप बोल लो कि हमारे अप्लायंसेस का जो आपस में कनेक्शन है वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है, और उसका तरीका क्या है. लेट अस ट्राई दिस आउट. ये मान लीजिए आपका क्या है, ये बेसिकली होता है एसी मेंस, ठीक है, ये हमें करंट का सोर्स कह लीजिए या वोल्टेज का सोर्स कह लीजिए. जनरली हम सेल यूज करते हैं बट सेल जो है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट देता है हमें. हमारा जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें करंट आता है वो आपका एक तरह से अनलिमिटेड है, तो जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई मिलती है जिसको हम 220 वोल्ट्स बोलते हैं, ठीक है, वही आपका होता है एसी मेंस. तो यहां पर हमारे पास जो ये चीज है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, एसी मेंस को. तो यहां पर लिख लेते हैं, दिस इज एसी मेंस, ठीक है. अब ये मेरे पास डिफरेंट बल्ब्स हैं. अच्छा, ये मेरा क्या है, दिस इज माय स्विच. अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, लेट सपोज कीजिए कि इस सर्किट में एक करंट फ्लो हो रहा है एंड दैट इज आई नॉट. अब अगर आई नॉट इन सभी बल्ब से फ्लो होगा तो आप क्या बोलोगे कि किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में. दिस इज द वे टू फाइंड आउट कि हमारे पास जो अप्लायंसेस हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं. तो आपके सामने है, बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल इजी है कि अगर करंट यहां से फ्लो होना शुरू करता है तो ये मेरा बल्ब B1 है, इसके थ्रू आई नॉट फ्लो होगा, राइट. उसके बाद बल्ब B2 के थ्रू क्या फ्लो होगा, आई नॉट फ्लो होगा. एंड इन द सेम वे इस तक भी मेरा कौन सा करंट फ्लो होगा, आई नॉट फ्लो होगा. आई नॉट वॉज द करंट जो कि हमारे मेन वोल्टेज में से, वोल्टेज सोर्स जो था, जो करंट सोर्स जो था वहां से निकलेगा. अब इस पॉइंट पे आके डू वी फाइंड एनी अदर वे फॉर द करंट टू फ्लो, वी ओनली हैव ओनली वन वे फॉर द करंट टू फ्लो. मतलब कि हमारे करंट के पास और कोई रास्ता नहीं है फ्लो होने का, एक ही रास्ता है, बस यहां पर क्या है, एक टर्न ही है. टर्न होने से जो करंट इस ब्रांच में एंटर करेगा, व्हाट वी कैन से द ओनली पाथ वी हैव, वो फिर से क्या होगा, आई नॉट होगा. तो इस बल्ब के थ्रू और इस बल्ब के थ्रू फिर से क्या फ्लो हो रहा है, आई नॉट फ्लो हो रहा है, राइट. ऑन रीचिंग दिस पॉइंट मेरे पास करंट के फ्लो होने के लिए सिर्फ यही रास्ता है. सो इन द सेम वे आपका यहां से जो करंट एंटर करेगा वो क्या करेगा, आई नॉट एंटर करेगा. तो अगेन मेरे पास जो ये दो बल्ब हैं इनके थ्रू भी क्या फ्लो करेगा, आई नॉट फ्लो करेगा. तो एज यू कैन सी के सभी बल्ब के थ्रू आपका आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है और आई कैन से द सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो ये सारी की सारी किसमें कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में. अब हमारा क्या होगा कि हमारे पास क्या है, ये कॉम्बिनेशन जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है. दिस इज व्हाट वी कॉल अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. कैसे, लेट सपोज ये फिर से मेरा क्या हो गया, एसी मेंस हो गया. मतलब मेरा वोल्टेज सोर्स, मेरा करंट सोर्स जो मुझे किससे मिलता है, मैग्नेट से मिलता है, मेरा उससे मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता है, ठीक है. नाउ अब यहां पर देखिए, लेट सपोज कीजिए यहां से क्या एंटर करता है, आई नॉट एंटर करता है. आई नॉट जब यहां से एंटर करेगा तो यहां पे मूव करेगा वो, राइट. अब यहां जाने के बाद इस पॉइंट पे वी हैव अ जंक्शन. लेट सपोज यहां पे एंटर कर रहा है आई वन, यहां से जो मेरा टोटल करंट मेरे सोर्स में से निकला था दैट वॉज आई नॉट. अब यहां से मूव होने के बाद, यहां पहुंचने के बाद, यहां पर मेरा करंट जो है डिवाइड होगा एंड द रीजन इज वी हैव टू पाथ्स.
तो कुछ करंट यहां एंटर कर जाएगा, कुछ करंट आगे मूव कर जाएगा। अब आगे जो वैल्यू मूव कर रही है, लेट नॉट नेम इट, ओके। नाउ जब वो इस जंक्शन पे आएगा तो उस करंट में फर्दर डिवीजन होगा। लेट सपोज कीजिए यहां पे एंटर करेगा I2, और इफ यू वांट टू नेम इट आल्सो, यहां पे I0 आया, यहां पे जब वो डिवाइड हुआ तो लेट सपोज वो I2 और I1 में डिवाइड हो गया। नाउ वो जब फर्दर डिवाइड होगा तो लेट सपोज वो I3 और I4 में डिवाइड हुआ, I4 आगे पहुंचने के बाद यहां फिर से डिवाइड हो रहा है, लेट सपोज वो I5 और I6 में डिवाइड हो रहा है, राइट। सो व्हाट वी कैन सी इज कि यहां पर पहुंचने के बाद जो करंट इसमें एंटर करेगा वो क्या होगा, आपका I6 होगा। तो मेरे पास चार डिवाइसेस हैं, उन चार डिवाइसेस में I1 करंट एक में एंटर हो रहा है, एक में I3 हो रहा है, एक में I5 हो रहा है और एक में I6 हो रहा है। अलग डिवाइसेस में अलग करंट, इसका मतलब ये डिवाइसेस किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये सबसे इजी मोस्ट वे है टू आइडेंटिफाई अ सर्किट, कि मेरा सर्किट जो है उसमें जो मेरे अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो सीरीज में है या पैरेलल में, एंड दिस इज हाउ वी डू इट, ठीक है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया, हमने चीजें रिकॉल कर ली कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है, हमारे जो घर का सर्किट है, हम उसमें ये जानेंगे कि कौन से सर्किट को यूज करना बेटर होता है। वैसे मैं आपको पहले बता दूं, हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ऑफ द डिवाइसेस, इसको यूज करते हैं अपने घर के सर्किट में। हमारे जो घर में सारे के सारे अप्लायंसेज हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड वी हैव रीजंस फॉर इट, हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और जो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये जो सीरीज सर्किट है, ये हमारा हम अप्लाई करते हैं, हम यूज करते हैं, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है या कोई फेस्टिवल होता है तो हम लाइटिंग्स यूज करते हैं, है ना, हम लड़ियां लगाते हैं घरों में, लड़ियां बोलते हैं जिनको हम, तो लड़ियों में जो एलईडी के बल्ब होते हैं वो सारे के सारे ऐसे कनेक्टेड होते हैं। अब ऐसा क्यों है, हमने घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज किया, सीरीज क्यों नहीं यूज किया, और लड़ियों में हमने सीरीज यूज किया, पैरेलल क्यों नहीं किया, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेल, मैं आपको लड़ियों का केस बता देता हूं, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम घर का सर्किट जो है, जो कि हमारा ज्यादा मेन है, कि उसमें पैरेलल क्यों यूज कर रहे हैं और सीरीज क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। मेरे पास जो मेरे घर में लड़ियां हम लगाते हैं, जो हमारे में लाइटिंग सिस्टम होता है, एलईडी बल्ब जो होता है बहुत छोटे साइज का होता है, उसकी जो करंट यूसेज होती है वो भी बड़ी कम होती है, क्योंकि भैया वो ग्लो कम देता है ना। एलईडी आप बहुत सारी अगर लगाते हो तब आपका क्या होता है, ग्लो अच्छा मिलता है आपको। अगर आप सिंगल बल्ब एलईडी को लगाते हो तो उसमें ज्यादा लाइट नहीं निकलती, तो ज्यादा वो आउटपुट नहीं दे रहा, दैट मींस वो ज्यादा इनपुट भी नहीं लेगा, ठीक है। तो एलईडी जो है उसका करंट यूसेज बड़ा कम होता है। तो अगर मैं एक छोटी सी एलईडी को अकेले ही 220 वोल्ट के साथ जोड़ दूं तो वो आपकी ब्लो ऑफ हो जाएगी, पटाखा बोल जाएगा, ठीक है। अब हम करते क्या है, हम बहुत सारी एलईडीज को एक साथ सीरीज में लगा लगा के सर्किट के साथ ज्वाइन करते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे क्या एडवांटेज मिलेगी, एक छोटी सी एलईडी का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी बहुत कम होगा, बट मैं वैसे जब हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ एलईडी बल्ब कनेक्ट करूंगा तो उन सब का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, एड ऑन। ये आपको सिखाया गया है कि जब आप डिवाइसेस को सीरीज में लगाते हो तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो एड हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट यू गेट अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब अगर पाथ में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो जो वोल्टेज का सोर्स है, जो करंट का सोर्स है, जिसको मैंने यहां पे एसी मेंस लिया है, वहां से जो करंट निकलेगा वो कम निकलेगा, क्योंकि ये भी वेल अंडरस्टूड है, ओम्स लॉ से आपने पता लगाया था कि वोल्टेज करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वहां से कंक्लूड किया था कि करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप चाहते हैं कि एलईडी में कम करंट जाए, जाहिर सी बात अगर आप उसमें ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे तो वो जल जाएगी, वो खराब हो जाएगी, तो आप उनको थाउजेंड्स या हंड्रेड्स को कनेक्ट करके रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हो ताकि एसी मेंस में से जो करंट निकले वो इतना कम हो कि एलईडी उससे सिर्फ ग्लो हो सके। एज अ रिजल्ट वो सेम करंट सारी एलईडीज के थ्रू फ्लो करेगा तो सारी ग्लो करेंगी। दिस इज व्हाई वी यूज अ सीरीज कॉम्बिनेशन इन द केस ऑफ द एलईडी सर्किट, ठीक है जी। नाउ अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सीरीज सर्किट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि व्हाई द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज प्रिफर्ड इन द केस ऑफ द डोमेस्टिक सर्किट, हमारे जो घर का सर्किट होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको इन चीजों के बारे में पहले से ही पता है, बस हमको रिकॉल करेंगे और उनको रिलेट करेंगे हमारे डोमेस्टिक सर्किट के साथ, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इफ एनी अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग द सर्किट वर्क्स नॉर्मली। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही होता है, हम जरा इस चीज को दोबारा से देख लेते हैं। ये मेरा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन,
लेट सपोज कीजिए आपने स्विचेस को ऑन किया हुआ है, पर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू ऑल द डिवाइसेस एंड दिस विल हैपन ओनली व्हेन ऑल द स्विचेस आर क्लोज्ड, राइट? नाउ आपका लेट सपोज कीजिए यहां भी मैंने क्या किया है, डिफरेंट अप्लायंसेस को बल्ब से रिप्लेस किया है। आप यहां पे टीवी ले सकते हो, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, जो भी आप रखना चाहो, ठीक है, यहां पे मैंने उनको बल्ब से रिप्लेस किया है। सो लेट सपोज कीजिए कि मेरा जो ये है बल्ब है ये सर्किट से आउट हो जाता है, तो मेरा करंट जो एसी मेंस में से निकलेगा आई नॉट, वो अब आई वन में डिवाइड नहीं होगा, वो सारे का सारा करंट आगे की तरफ चला जाएगा, बिकॉज उसके पास रास्ता है ना फ्लो करने के लिए। अगर करंट के पास रास्ता फ्लो करने के लिए है तो वहां से फ्लो करेगा, तो ये चीज सर्किट से आउट हो गई। तो क्या हमारा सर्किट के जो और अप्लायंसेस थे उन पे कोई फर्क पड़ा? एंड दिस इज क्लियर नो, कोई फर्क नहीं पड़ा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट कि हम इसको हमारे डोमेस्टिक सर्किट में क्यों यूज करते हैं। ड्यू टू एनी कॉज अगर एक अप्लायंस खराब भी हो जाती है, हमारा जो बाकी का सर्किट है रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, डिवाइसेस कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ इंडिपेंडेंटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि डिवाइस खराब हो गई, डिवाइस का खराब होना मतलब उस डिवाइस का सर्किट से आउट हो जाना, या कह लो उसका स्विच ऑफ होना। तो क्या हमारे घर में ऐसा होता है कि अगर आप फैन को ऑफ करें तो आपके घर में जो लाइट है, फ्रिज है, एसी है, वो सारे बंद हो गए? नहीं बंद होते। all the devices can be operated independently. आपको फ्रिज को ऑफ करना है, फ्रिज को ऑफ कर दीजिए। आपको फैन को ऑफ करना है, आप फैन को ऑफ कर सकते हैं। किसी एक चीज को ऑफ करने से बाकी का सर्किट आपका क्या डिस्टर्ब नहीं होता, तो दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज, ठीक है। द नेक्स्ट इज ऑल डिवाइसेज गेट इक्वल वोल्टेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब पैरेलल कॉम्बिनेशंस आपको सिखाए गए थे, जहां पे मैंने आपको रेजिस्टर्स के बारे में बताया था कि उनको आप पैरेलली कनेक्ट करोगे, फिर उनके जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो 1/2 करके फाइंड किया जाता है, आप पिछली वीडियोज में चेक कर सकते हैं, आपको सिखाया गया है। तो वहां से मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बताया था पैरेलल सर्किट के बारे में कि यहां वोल्टेज जो है सबको सेम मिलती है। एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस रिकॉल इट कि ऐसा क्यों होता है। ये मेरे पास एसी मेंस है, मतलब हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से वोल्टेज मिलती है, एंड दैट इज 220 वोल्ट। आप एसी मेंस को और वोल्टेज को मान के चल सकते हो, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट द इलेक्ट्रॉन्स पोजेस, ठीक है। जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज्यादा उनके पास क्या होगी, एनर्जी होगी, और वो उतना ही अच्छे से हमारे अप्लायंस को क्या करवा पाएंगे, मतलब अप्लायंस के थ्रू वो ज्यादा करंट फ्लो होगा, ज्यादा एनर्जेटिक आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जाहिर सी बात है डिवाइस ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी, कहने का मतलब है। तो होगा क्या, जब 220 वोल्ट का या 220 आप उसको कह दो काइंड ऑफ एनर्जी है वो आपकी इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है, जब वो यहां से फ्लो करेंगे, तो यहां से यहां फ्लो करते हुए लेट सपोज कीजिए हम इसको दोबारा से सर्किट के अंदर लेके रखते हैं, ठीक है। हमारे पास ये डिवाइस जो है सर्किट के अंदर है, स्विच आपका ऑन है, इस तरह से जो आपका ऑन हो गया, ये भी आपका स्विच ऑन हो गया। तो मेरे जब इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे, तो उनके पास इसके थ्रू भी जाने का ऑप्शन है, इसके थ्रू भी जाने का ऑप्शन है, इसके थ्रू भी और इसके थ्रू भी। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कभी ड्रॉप नहीं होती, वोल्टेज सेम मिलती है हर अप्लायंस को, क्योंकि ईच ऑफ द अप्लायंस गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट कनेक्टेड टू द मेन सोर्स। तो इन दिस वे आपके हर अप्लायंस को वोल्टेज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक है। बिकॉज आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे के सारे जब जंक्शन पे पहुंचेंगे, तो इनको आप सबको आपस में कंबाइन कर सकते हो, आप इनको इस तरह से कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो द वे इन विच यू कैन ड्रॉ अ पैरेलल सर्किट। सो व्हाट वी कैन सी इज कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स अब यहां पे पहुंचेंगे, तो हर डिवाइस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू बेसिकली ग्रैब दोज इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक दम इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू देम। सो इन दिस वे ईच डिवाइस विल गेट इक्वल वोल्टेज, एंड दिस इज अ वेरी व्हाट वी कैन से अ वेरी गुड पॉइंट, और व्हाट वी कैन से कि एक बहुत अच्छी एडवांटेज है हमारे डिवाइसेस को इक्वल वोल्टेज मिलना। अब इसका फायदा कैसे है, देखो आपके घर में जो हम अप्लायंसेस लगाते हैं, चाहे वो छोटा सा आपका कोई 3 वॉट का बल्ब हो, या फिर आपका कोई वो 1000 वॉट का कोई आपका हीटिंग अप्लायंस हो, तो सबको उनके ऊपर जो उनकी स्पेसिफिकेशंस लिखी होती है, सबके ऊपर 220 लिखी होती है। बिकॉज कंपनी को नहीं पता होता कि जो यूजर है, जो कंज्यूमर है, उसके घर में कितने अप्लायंसेस हैं। अगर हम सीरीज में लगाएं चीजों को, तो हर किसी के घर में डिवाइसेस को अलग अलग वोल्टेज मिलेगी, तो प्रोडक्ट्स को बनाना कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत लॉजिकल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, हर किसी
कंज्यूमर के लिए जो कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी वो 220 वोल्ट की स्पेसिफिकेशन वाला बनाएगी, बिकॉज वी गेट इक्वल वोल्टेज इन पैरेलल सर्किट. नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. ये भी आपको पता है, हमारा जो पैरेलल सर्किट है उसमें जो हम रेजिस्टेंस फाइंड किया करते थे वो ऐसे हुआ करता था, 1 by RT is equals to 1 by R1 plus 1 by R2, right? तो 2 ओम का रेजिस्टर आप लगा लो और 3 ओम का लगा लो, अगर आप उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनको कनेक्ट करते हो तो जो उनका ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा जब आप फाइंड करोगे तो वो 2 ओम से भी कम आएगा. ये आपको पिछले लेक्चर्स में बताया गया है कि आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं, उनमें जिस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कम है, जैसे मैंने आपको कहा 2 और 3, तो विच इज स्मॉलर, 2 ओम. आपको इन दोनों के जो पैरेलल कॉम्बिनेशन से ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा वो लेस देन 2 ओम आएगा. तो पैरेलल सर्किट क्या करता है, एक तरह से रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है. और अगर सर्किट में रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट के लिए इजी होगा उसके थ्रू फ्लो करना, तो आप ज्यादा करंट को डिमांड कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज फॉर यूजिंग द पैरेलल सर्किट इन द डोमेस्टिक, फॉर द डोमेस्टिक पर्पस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सीरीज सर्किट. अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करता हूं हमारे डोमेस्टिक सर्किट में तो क्या डिसएडवांटेज है. नंबर वन, अगर एक अप्लायंस चलना बंद कर दे सारा सर्किट ठप. कैसे, ये देखिए, लेट सपोज कीजिए ये बल्ब खराब हो जाता है तो मेरा करंट यहां से जब निकलेगा तो सर्किट तो ब्रेक हो गया, तो जो बाकी के बल्ब थे उनके थ्रू उनको करंट रीच ही नहीं कर पाएगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स उन तक जा ही नहीं पाएंगे. तो किसी एक अप्लायंस के खराब होने से आपका पूरे का पूरा सर्किट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठप पड़ जाता है, इट वोंट वर्क. सो दिस इज अ डिसएडवांटेज. अगर हमारे घर में मान लो कोई भी अप्लायंस, कोई भी बल्ब खराब हो गया या कोई भी फैन खराब हो गया और अगर इसको हम सीरीज सर्किट को अपने घर में लगा लेते हैं तो हमारे सारे अप्लायंस चलने बंद हो जाएंगे, तो दिस इज एन डिसएडवांटेज. सो द नेक्स्ट इज ऑल अप्लायंसेज हैव ओनली वन स्विच, वेरी ट्रू. अब यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये सीरीज कॉम्बिनेशन था यहां पे मैंने सिर्फ एक स्विच यूज किया है S1. आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं हर डिवाइस के साथ एक स्विच है, इस डिवाइस के साथ ये स्विच है S1, ये स्विच है S2, ये स्विच है S3 और ये स्विच है S4. हर अप्लायंस को अलग से स्विच दिया गया है. सुनने में या देखने में बड़ा अजीब लगता है बट अगर प्रैक्टिकल आप बात करो तो ये बहुत ही अच्छी एडवांटेज है. आपको फैन ऑन करना है, फैन का स्विच दबाइए, सिर्फ फैन ऑन होगा. आपको फ्रिज ऑन करना है या एसी ऑन करना है तो सिर्फ वही अप्लायंस ऑन होंगे. तो दिस इज एन एडवांटेज, नॉट अ डिसएडवांटेज. बट अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो अगर मैं घर के सारे अप्लायंस को सीरीज में लगा दूंगा तो अगर मैंने स्विच ऑन किया तो पंखा भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, ठीक है, और हमारा नाक भी चल रहा है, ठंड बढ़ गई तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे, राइट. सो हमारे पास एक ही स्विच से सारे सर्किट को ऑपरेट किया जाएगा. स्विच को ऑन किया तो सारे अप्लायंसेस चलेंगे, स्विच को ऑफ किया सारे अप्लायंस ऑफ हो जाएंगे, राइट. सो दिस इज नॉट एन एडवांटेज, ये हमारा एक डीमेरिट है सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर द डोमेस्टिक यूज. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज अप्लायंसेस गेट डिफरेंट वोल्टेज, वेरी ट्रू. सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि जब मेरा करंट मेरे करंट सोर्स में से वोल्टेज सोर्स में से बाहर निकलता है तो जब भी वो डिफरेंट अप्लायंसेस के थ्रू ट्रेवल करता है तो उसकी कुछ एनर्जी में उसकी कुछ एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो लॉस हो जाता है. क्यों? क्योंकि हर डिवाइस का अपना क्या है, रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है, और जो वर्क आप करते हो वो एक तरह का क्या है, एनर्जी का लॉस है, ठीक है जी. तो यहां पे कुछ लॉस हो गया एनर्जी में, आगे आपके इलेक्ट्रॉन्स गए उनकी कुछ एनर्जी वहां लॉस हो गई. तो ईच टाइम द इलेक्ट्रॉन्स पास अ डिवाइस सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज ड्रॉप्ड, तो आपके अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग वोल्टेज मिलेगा, तो कंपनी तो फंस गई. अब कंपनी क्या करेगी, आपके या मेरे घर के लिए हमसे पूछ के थोड़ी अप्लायंसेस बनाएगी कि जी आपको फ्रिज कितने वोल्ट का चाहिए, आपको एसी कितने वोल्ट का चाहिए, ऐसा तो नहीं होता. तो हमारा जो ये सीरीज सर्किट है इसलिए भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे सबको अलग अलग वोल्टेज मिलती है, ठीक है जी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट. और हमारा जो ये लास्ट है, ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, वेरी वेरी ट्रू. देखो जी, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है जब आप ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालिएगा तो क्या पाइएगा कि सब का रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है. तो अगर सर्किट में ज्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट आप ज्यादा नहीं ड्रॉ कर सकते, आपका वोल्टेज सोर्स जो करंट निकलेगा वो कम निकलेगा, बिकॉज आई और आर आपस में क्या होते हैं भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ने से हमारा जो करंट है वो सर्किट में कम फ्लो करता है.
सो दिस वॉज डोमेस्टिक सर्किट. हमने ये डिस्कस किया कि हम उसमें क्या यूज करते हैं, फिर हमने ये डिस्कस किया कि उसमें हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते. ठीक है जी. सो आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं ब्रेक के बाद.